तो कुछ दिन पहले आईसीसी ने एक प्रपोजल लॉन्च किया था, इनफैक्ट बातें चली थी कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में कुछ चेंजेस लाना चाहता है। तो जो रेड बॉल से हम क्रिकेट खेलते हैं, आईसीसी ये सोच रहा है कि वो 5 दिन के बजाय 4 दिन के मुकाबले होंगे। ये जो है, ये जो चीज़ आईसीसी ने फ्लोट करी है, ये उनकी क्रिकेट कमेटी की इनफैक्ट मीटिंग होगी मार्च में, लास्ट वीक ऑफ मार्च, जिसके इनफैक्ट अनिल कुंबले एक मेंबर हैं, राहुल द्रविड़ भी हैं, महिला जयवर्धने हैं, अमंग अदर प्लेयर्स, वो लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। तो आईसीसी का ये जो प्रपोजल है, ये 2023 से जो साइकिल शुरू होगी 2031 तब के लिए है। कुछ क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट भी किया है। इनफैक्ट 2017 में साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच एक 4 दिन का टेस्ट मैच खेला भी जा चुका है, द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने बोला है हमको प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड्स भी सीरियसली सोच रहे हैं इस बारे में। और जहां तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात है, सौरव गांगुली ने अपनी ओपिनियन नहीं दी है, ये कहा है कि बहुत जल्दी है। अब इसका मेन रीज़न ऑफकोर्स ये रहा है कि कई बार ऐसा होता है, मोस्टली हमने देखा है आजकल मैचेस 4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, और पांचवें दिन का जो रेवेन्यू लॉस है, पांचवें दिन का जो कॉस्ट है जो आईसीसी को पड़ता है, वो पैसे बचाने के लिए और कैलेंडर में स्पेस बनाने के लिए, ताकि क्रिकेट मैचेस जो टेस्ट मैचेस से दिन बचें उसको आप यूज़ कर सकते हैं लिमिटेड ओवर्स के लिए। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला एक साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा था, जिसको पांचवें दिन में बेन स्टोक्स की कमाल परफॉर्मेंस की वजह से साउथ अफ्रीका ने इनफैक्ट हारा, इंग्लैंड ने जीता और सीरीज बराबरी की। और उस मैच के बाद जो कल ख़त्म हुआ, दोनों टीम के खिलाड़ियों से पूछा गया और उन्होंने ये साफ कहा है कि हम 5 दिन के टेस्ट मैचेस चाहते हैं। इनफैक्ट मैच के बाद बेन स्टोक्स ने ये कहा कि जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात है, हम प्योर फॉर्म है और अगर 5वां दिन नहीं होता तो आज के मैच में ये रिजल्ट नहीं आता। और यही चीज़ फाफ डुप्लेसी ने भी कही कि भले ही हम हारे, बट ये चीज़ मेरी टीम भी जानती है और हम भी जानते हैं कि हमने 5 दिन मेहनत करी। और ये काफ़ी सारे क्रिकेटर्स का मानना है। इनफैक्ट मैं फाफ जो रूट की अगर बात करूं, बेन स्टोक्स की बात करूं, सचिन तेंदुलकर ने भी ये कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में कई बार आप 5वें दिन तक जो बल्लेबाजी करते हैं, आप जो खड़े रहते हैं, अपनी विकेट बचाते हैं, जो कल कोशिश भी चल रही थी जिसकी वजह से कुछ स्लेजिंग भी हुई, और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको वो भी स्पोर्ट्स तक पे देखने को मिल जाएगा कि बटलर और फिलैंडर के बीच क्या हुआ कल, बट वो 5वें दिन की जद्दोजहद जो रहती है वो नहीं होगी अगर 4 दिन के टेस्ट मैचेस हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे प्लेयर्स ने कही है, सचिन तेंदुलकर ने कही है, नेथन लायन ने भी कही है, इनफैक्ट जो टेस्ट मैचेस होते हैं 5वें दिन का इंतजार करते हैं जो स्पिन बोलर्स होते हैं। तो अगर अगर आप 5वां दिन हटा देंगे तो स्पिन बोलर्स का रिक्वायरमेंट, टीम कॉम्पोजिशंस, उन लोगों की जो स्किल है वो शायद टेस्ट मैचेस में उतनी यूटिलाइज नहीं होंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो भारत के कप्तान हैं विराट कोहली, उन्होंने कहा है, शशांक एक बार मुझे बॉल देना, उन्होंने कहा है कि जो पिंक बॉल का जो एक्सपेरिमेंट है, आई थिंक ये मैक्सिमम है जो टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए। उनका ये मानना है कि आपने ऑफकोर्स पिंक बॉल लेके आए, जो भी वो कह रहे हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ पिंक बॉल टेस्ट होने चाहिए, डे नाइट टेस्ट होने चाहिए, वन ऑफ द प्योरेस्ट ऑफ द गेम अपने आप को मानते हैं। और उनका ये मानना है कि जो चैलेंज इनफैक्ट पहले दिन का होता है टेस्ट मैचेस में, मॉर्निंग का होता है, उनके लिए वो चैलेंज भी बहुत बड़ा है। तो वो तो पिंक बॉल टेस्ट के लिए भी इंडिया ने बहुत देर बाद माना। और जहां तक आईसीसी की बात है, वो ये सब चेंजेस ऑफकोर्स लेके आ रही है क्योंकि वो चाहते हैं कि शायद क्राउड्स आएँ, पैसे आएँ, और उनका ये मानना है कि टेस्ट क्रिकेट शायद बच नहीं रहा है इतना। पर विराट कोहली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही, उन्होंने ये कहा कि आप 5 दिन को 4 दिन करना चाहते हैं, फिर आप 4 को 3 दिन करना चाहेंगे और अल्टीमेटली शायद टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। तो जहां तक क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स, सब लोगों ने अपना नो कह दिया है एज फार एज 4-day टेस्ट का कंसर्न। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बारे में मार्च में ज़रूर बात करेगा। देखते हैं टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर क्या है। एक्सपेरिमेंटेशन तो हम क्रिकेट में देखते ही रहते हैं, बट जितने भी प्योरिस्ट ऑफ द गेम है और शायद फैंस भी हैं, जो हम लोग हैं, जो कमाल के हमने 5 दिन के टेस्ट मैचेस देखे हैं, हम चाहेंगे कि शायद टेस्ट क्रिकेट से बहुत ज़्यादा टिंकर ना किया जाए।